ओके असलम सो होप सो यू ऑल बी डूइंग ग्रेट सो इन दिस वीडियो विल सी दैट हाउ यू विल मेक योर लैब रिपोर्ट्स एंड आई मेकिंग दिस वीडियो ओनली बिकॉज ऑफ अ सेक्शन हु मिसिंग बिकॉज़ ऑफ़ ओरिएंटेशन बेसिकली उनकी उनको ये बताना रह गया था कि उन्होंने अपनी लैब रिपोर्ट कब और कैसे सबमिट करवानी है तो कि हमने थ्योरी जो पढ़नी थी क्लास में हमने पढ़ ली थी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में देख लिया था कि वो किस तरह इंस्टॉल होता है सिर्फ आपने सबमिट किस तरह करानी है मैनुअल उसको थ्योरी किस तरह लिखनी है उसके बारे में उसको हार्ड में सबमिट करना है सॉफ्ट में सबमिट करना है इस तरह की जो थ्यूरी थी वो हम इस वीडियो में रिजॉल्व करेंगे <coughs> अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिस तरह कहा था कि एक टाइटल पेज मस्ट होना चाहिए सही तो टाइटल पेज मैं ख़ुद ही आपको बना के भेज रहा हूँ दिस इज़ अ टाइटल पेज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऊपर लैब रिपोर्ट नंबर वन अगर आपने टू सबमिट करानी होगी तो ओब्वियसली आप लैब रिपोर्ट नंबर टू लिखेंगे और उस टू का टाइटल लिखेंगे जिस तरह हमारा फर्स्ट का टाइटल था इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग और इंस्टॉलेशन ऑफिशल स्टूडियो को दैन सबमिटेड टू ऑबियसली मेरा नाम दैन सेक्शन और अगर ग्रुप बना हुआ है तो ठीक नहीं बना हुआ तो मतलब सेक्शन के अंदर ग्रुप होते हैं ग्रुप वन या ग्रुप टू तो. अगर बना हुआ है तो ठीक नहीं बना तो हुआ तो उसकी जगह पर एन ए लिखते हैं यहाँ पे सेक्शन और यहाँ पे सेशन ठीक है सेशन मतलब आपका सेशन ट्वेंटी वन है या एम ई आपकी जो चल रही है आपने वो लिखनी है और तो यहाँ पे आपने अपना नाम अपना सी एम एस आई डी ये वाली जगह आपने ब्लैंक छोड़ देनी है ये मैं फिल करूँगा ओबियस आपके मार्क्स हैं जो कि मैं आपको देता हूँ बताता हूँ आपको किस तरह दिए जाएंगे देन ये स्कूल ऑफ ये आपने इस तरह करके बना देना पे जो कि मैं आपको बना के ही भेज रहा हूँ अच्छा आप कलर आप देख रहे होंगे इसके पीछे रेड है बेसिकली तीन सेक्शन हैं तो तीनों सेक्शन को मैं एक अलग टाइटल पेज देता हूँ ताकि वो तीनों सेक्शंस की अगर कोई बच्चा बाद में आके सबमिट कराता है तो मैं मिस्टेकली मिक्स ना कर दूँ बाकी सेक्शंस के साथ वो रिपोर्ट तो मुझे पता होता है कि रेड कलर जो है वो एक सेक्शन का है दूसरे सेक्शन का वाइट है से और तीसरे सेक्शन का लेट्स से ग्रीन है तो आ, आपने मैं आपको कहते हैं तो मैं बता देता हूँ अब जिस तरह मैंने सेक्शन ए को रेड कलर दिया तो आपने ये बेसिकली दो तरीके हैं ये करने के एक तो आप रेड कलर का पेपर के ऊपर ब्लैक प्रिंट करवा लें ठीक है मतलब इस इसकी कलरिंग ब्लैक कर दें ठीक है इसकी कलरिंग आप ब्लैक कर दें और रेड कलर के पेपर के ऊपर प्रिंट करवा लें ठीक है वो जो आपको मिलता भी है पेपर ठीक है दूसरा काम ये है कि मतलब इसकी ब्लैक करके और ये प्रिंट मतलब ब्लैक ब्लैक एंड वाइट वाइट प्रिंट हो जाएगा और बैकग्राउंड जो पेज होगा ना वो रेड होगा सिमिलरली जो दूसरा होगा बी सेक्शन वो से ग्रीन कलर के सारे पेपर सेलेक्ट कर ले मतलब अगर उन्होंने ग्री, ग्रीन चूज करना है तो वो ग्रीन कलर के पेपर के ऊपर फर्स्ट टाइटल पेज अपना प्रिंट करवा ले इसी तरह जो थर्ड वाला है वो सेक्शन वो येलो कलर के ऊपर अपना दूसरा ये है कि कलर प्रिंट करवा लो मतलब इस तरह खुद से बैकग्राउंड इसका जिस तरह ब्रैक बैक कलर किया जाता है बैकग्राउंड इसका करके यहाँ से ठीक है पेज कलर तो ये करके कर इसका कलर प्रिंट करवा लें तो भी तरीका सही है दोनों किस्म में मुझे रेड इंडिकेशन हो जाएगी ठीक है ये फोर सेक्शन ए है सिमिलरली फोर सेक्शन बी या सी मैं कहता हूँ बी सेक्शन के लिए है ग्रीन क्योंकि वो इजीली पेपर मिल जाता है बाहर से और जो सी सेक्शन है उसके लिए येलो लेकिन सी आर के ऊपर है सी आर अगर अपनी क्लास से डिसाइड करके कोई कलर और बताना चाहते हैं तो उससे देखिए और बता सकते हैं ये तो टाइटल पेज के ऊपर था और ये खाली फर्स्ट पेज की स्टोरी है ठीक है फर्स्ट पेज इस तरह का होना चाहिए आगे आप पेजेस जो नॉर्मली प्रिंट करवाते हैं आ, ब्लैक एंड वाइट उसी तरह का फर्स्ट पेज तो ये, तो ये होता है कि इसको सेपरेट इस फाइल को सेपरेट बनाया जाता है और सेव करके रखा जाता है क्योंकि हर फाइल के साथ अटैच होनी होती है हर आपकी लैब रिपोर्ट के साथ तो इसको एक तो इसको सेपरेट फाइल में बनाया करें और जो दूसरी लैब रिपोर्ट चल रही होती है जिस तरह बनानी मैं उगता हूँ डिफरेंट फाइल में बनाया करें और प्रिंट करवाने के बाद इसको स्टेपल कर दिया करें दूसरे वाले के साथ ठीक है अच्छा तो आ, आगे चला चल जाए तो आगे चलते हैं कि आप अपने लैब रिपोर्ट बनानी किस तरह पहली हेडिंग होगी ऑब्जेक्टिव्स की ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि हमने लैब में किया कि हमारा मकसद क्या है लैब का जिस तरह फर्स्ट लैब थी उसका मतलब था इंट्रोडक्शन मकसद था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज और कंप्यूटर सेकंड था डिफरेंट आईडी से आपका डिफरेंट आई डीज डिफरेंट प्रोग्रामिंग डिफरेंट कोर्स सोर्स कोड एडिटर से आपका तारुफ करवाया जाए देन uh, इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो और उसको सेटअप करना सी प्लस प्लस के लिए ये हमारा फर्स्ट लैब का ऑब्जेक्टिव था तो इसको एज इट इज लाइंस में लिखा जाता है देन आ जाता है हमारे पास थ्योरी अब देखें पांच नंबर के मार्क्स हैं आपने इस तरह की लैब रिपोर्ट हर वीक सबमिट करानी होगी ठीक है जिसमें थ्योरी अगली हेडिंग क्या है थ्योरी थ्योरी में आप प्रिसाइजली लिखेंगे कि हमने थ्योरी क्या पढ़ी आज के दिन जिस तरह फर्स्ट लैब में मैंने आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेजेज हाई लेवल लैंग्वेजेज और इन सब के बारे में बताया तो इन सब के बारे में कोई बहुत डिटेल नहीं खाली एक एक लाइन भी कर लिख देते ना कि हेडिंग के साथ वी वी लर्न फॉलोइंग थिंग्स या वी लर्न फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस लैब या फॉलोइंग टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ दौब दिस लैब या कुछ भी करके वो आपके ऊपर है फिर उसके बाद आपने उसके बारे में हेडिंग देखी कंप्यूटर कि उसकी डेफिनेशन बेशक वन लाइन डेफिनेशन टू लाइन डेफिनेशन बहुत ज़्यादा चीज नहीं फिर प्रोग्रामिंग के दो टाइप से निकाता था एक लो लेवल होती है एक हाई लेवल होती है लो लेवल का क्या काम होता है हाई लेवल का क्या का का काम होता है लो लेवल की एग्जाम्पल हाई लेवल की एग्जाम्पल फिर डिफरेंट कंपायलर्स मैंने टर्बो जो है सारी चीज़ें है इसके अलावा अगर पॉजिटिव है या प्रेजेंटेशन में से अगर आप कोई पिक्चर्स एड करना चाहते हैं मैं प्रेजेंटेशन है, आपको भेज दिया करूँगा वहाँ से या पिक्चर कुछ नेट से आप ऐड करना चाहते हैं नेट से ऐड कर देते हैं बट मेक श्योर कि ये वाला जो थ्यूरी वाला टॉपिक है ना फ्री वाला पोर्शन है ये ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज ठीक है एक पेज मतलब एक पेज का मतलब होता है कि हेडिंग रखनी है आपने फोर्टीन साइज की और जो आपका लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है वो आपका हो ट्वेल्व साइज का ठीक है जिसका फ़ॉन्ट साइज कितना होना चाहिए ट्वेल्व मतलब अगर मैं इसको इधर से फोर्टीन करूं और इसको अगर मैं कर दूं ट्वेल्व ठीक है तो इस तरह करके देखें ये हमारे पास जितनी भी इस फोन्ट्स साइज में आपने इस पेज को बल्कि ये पूरे का यही होगा जितनी भी आप लेबर पोर्ट होंगे जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं उनका साइज़ आपने क्या रखना है फोटीन और जो आप लिखेंगे टैक्स उसका साथ आपने साइज रखना है ट्वेल्व और खैर ये थ्यूरी वाला पेज आपने इस तरह लाइट लाइट सा एक पेज डेढ़ पेज, पेज पिक्चर इंक्लूड करना चाहता तो पिक्चर इंक्लूड कर लें कोई जो मैंने क्लास में चीज़ बताई है इंक्लूड करना चाहता हूँ इंक्लूड कर लें इसके मार्क्स होंगे पाँच ठीक है और ये फोन स्टाइल जो है ना ये सब के लिए ऐसा ही होगा स्टाइल आप देख लें कैडिबरी थी क्या टाइम न्यू रोमन में जाना है टाइम न्यू रोमन देख लें लेकिन आपका जो साइज होना चाहिए ना वो ये हेडिंग फोर्टीन जो लिखा हुआ हो बाकी जहाँ जहाँ पे भी जो टेक्स्ट है नॉर्मल टैक्स फोर ट्वेल्व का फिर आ जाता है लैब वर्क लैब वर्क में लैब में हमने किया क्या थ्योरी तो पढ़ ली किया गया प्रैक्टिकल क्या था जिस तरह फर्स्ट लैब के अंदर प्रैक्टिकल कुछ हम यूजुअली प्रोग्रामिंग डैब के अंदर कुछ लैब टास्क होंगे जो आप लैब में करोगे ठीक है मतलब कुछ मैं कोड आपको कहूँगा कि इसको करके दिखाओ इस कोड ये कोड बना के दिखाओ तो वो आप कोड्स लैब में बैठ के करोगे एक हो सकता है दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं कोई और काम हो सकता है जो हमने लैब में प्रैक्टिकल किया ठीक है, है तो वो आपने इस क्वेश्चन में इंक्लूड करना है विद कमेंट्स विद कमेंट्स मैंने आपको बताया था हर प्रोग्रामिंग लाइन के साथ हर प्रोग्रामिंग स्टेड के साथ अस इंस्ट्रक्शन डबल इंस्ट्रक्शन कमेंट्स डबल स्लैश डाल के ठीक है तो वो कोड आपने इंक्लूड करना है यहाँ पर सिर्फ सही अब जो फर्स्ट लैब है उसके अंदर ऑब्वियसली अगर हमने कोई कोड नहीं किया हमने इंस्टॉलेशन किया है तो इंस्टॉलेशन हमने इंक्लूड करनी है स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन में ने लिंक आपको भेजा हुआ है उस लिंक के थ्रू आपने अपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल भी करना है और साथ साथ वो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन आपने नोट करते जाना है अब वो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन किस तरह होती है मैं आपको एग्जाम्पल उसकी बताता हूँ देखें मतलब एक जनरल आइडिया ये एक नॉर्मल सा ना कोई चीज़ है मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्टेप टाइप स्टेप बोलता हूँ जिस है ना अब स्टेप वन क्या होगा इसके डबल क्लिक मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है जिस तरह मैं आपको ना दो अब आप इंस्टॉल करने हैं एक विजुअल स्टूडियो कोड और एक मी जी डब्ल्यू आपने सबसे पहले मी जी डब्ल्यू तो डबल क्लिक मी जी डब्ल्यू देन तो डबल क्लिक करने से क्या अपीयर होता है ठीक है डबल दिस विल अपीयर ठीक है इसका स्क्रीन शॉट लेके अटैच कर दिया उसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये हटा देना है ठीक है रिमूव दिस एंड उसके बाद से सेव से कर लें तो उसके बाद जब इसे रिमूव करेंगे तो इसका स्क्रीन शॉट लिया उसे अटैच कर दिया ठीक है तो स्टेप बाई स्टेप का ये मतलब होता है तो देखिए इस तरह ये आएगा इसको प्लेस किया होगा अगला स्क्रीन शॉट फिर अगला स्टेप क्या होगा नेक्स्ट करें दिस विंडो विल अपीयर अगर आपको पता चल रहा है खाली नेक्स्ट 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 करना है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि इंक्लूड की जाए तो आज को आप स्किप कर सकते हैं मेन मेन बातें जो कि कोई भी न्यू बच्चा आपका जूनियर पढ़ता है आपका मैनुअल तो सब पता चल जाएगा कि किस तरह इंस्टॉल किया था इसने ठीक है इस तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा उसी के बाद आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है फिर उसकी एक्सटेंशन किस तरह इंस्टॉल करनी है उन सबको आपने इस तरह करके लिखना है टास्क बना के उसके साथ स्क्रीन शॉट्स एड कर करके ठीक है ये फर्स्ट लैब का थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा आगे वाले में क्योंकि हमने किए ही सिर्फ लैब टास्क करने हैं तो उसमें बस कोड इंक्लूड किया करेंगे आप उस विद कमेंट्स ठीक है तो आने वाली जो लैब्स हैं वो बहुत ईजी होंगी इसमें थोड़ा सा आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है ये टास्क ये हमारे पास हो गया इस तरह करके आपने बता देना है लेब वर्क के अंदर और तो हमने कोड किए नहीं है कोई दिल चाहता है एंड कोई कोड जो मैंने बुक में करवाया था बुक में से कोड वो वाला हमने आपको करवाया था आ, कौन सा था जिसके अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड किया था तो आप एज इट इज़ वही पेश करके उसके और पर लिखना चाहते हैं तो वो भी इंक्लूड कर दें वरना दिस इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द फर्स्ट लैब फिर लैब टास्क होंगे जो आपको कुछ घर के लिए दिए जाएंगे कि आपने क्या क्या करके लाना है घर से ठीक है अगर फर्स्ट लैब में आपके नहीं दिया गया तो फ्यूचर में आपको कुछ कोड्स घर के दिए होंगे यहाँ पे आपने वो वाले कोड्स और विद्स किया आउटपुट्स ठीक है कि आपने यहाँ पे कोड पेस्ट करना है जो कोड था ठीक है जो भी है शायर स्ट्रीम जो भी यहाँ तक तो कोड आ जाएगा और फिर उसके आउटपुट के स्क्रीन शॉट्स यहाँ पर तो हर कोड जितने भी आपको लैब टास्क मिलेगा वो आपने यहाँ पे इंक्लूड करना तो दिस इज हाउ यू विल मेक योर फर्स्ट मैनर मैंने कहा ये जो रेड बैकग्राउंड करना है ये सिर्फ फर्स्ट टाइटल पेज का होना चाहिए इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ योर लैब रिपोर्ट विल लुक ओके okay, ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की प्रोग्रामिंग की नहीं लेकिन वो सेम ही देखिए जैसे इन्होंने ब्लू कलर दिया था देखिए फ़र्स्ट टाइटल पेज जो है इनका ब्लू है सही टाइटल पेज ब्लू है और इस तरह वो करके उसके बाद बाकी वही नॉर्मल जिस तरह उन्होंने मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव लिखना है फिर थ्योरी लिखना है ठीक है और फिर इस तरह करके आपने एंड पे लैब लैपटाप तो इस तरह बाकी चीज़ें इस तरह ये आपका मैनुअल कम्प्लीट हो चुका है यहाँ तक ठीक है तो ये चीज़ें हैं जिस तरह अभी आप रेड वालों का है तो रेड वालों का मतलब यह है कि फर्स्ट टाइटल पेज इनका रेड होगा बाकी इसी तरह जो नॉर्मल ऑब्जेक्टि और हिंट एंड थ्योरी और फिर वो जो है लेब वर्क साइज से ठीक तो इस तरह के आपने प्रोग्रामिंग का बनाना है और बाकी मैं सारी चीज़ें लैब में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो में ठीक है सैम्पल रिपोर्ट भी प्रेजेंटेशन भी और जो मेरी फर्स्ट लैब की थी मतलब लैब वन की जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वो भी डाल दूँगा देन मैं सॉफ्टवेयर भी डाल दूँगा और जिस वीडियो से इंस्टॉल करनी है आपने विजुअल स्टोरी और जी मिन जी डब्ल्यू वो भी डाल दूँगा तो डिस्क्रिप्शन आपने ज़रूर देखा ओके okay, इनशा नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है तब तक के लिए अल्लाह के हवाले थैंक यू सो मच